अब आपको बताएं कि कराची के शहरी आखिर कहां जाएं, जराइम पेशा नासिर ने भी पुलिस की तरह नाका लगाकर लूटमार शुरू कर दी है। शहरी ने साइट एरिया में लूटमार की वीडियो बना ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुसल्ला मुलजिम दफातर आने और जाने वाले मरकजी सड़क पर खड़े हैं और इत्मीनान से एक एक शख्स को रोक कर लूट मार कर रहे हैं। मुलजिमान ने मुतादिर शहरियों को मोबाइल, पर्स और दीगर कीमती अशिया से महरूम कर दिया। पुलिस के तरीका वारदात से मुतासिर मुलजिमान लूटमार के बाद बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फैज न्यूज के नुमाइंदे समीर तरीन से। जी समीर, बताइएगा ये क्या मामला है। शुक्रिया शहजादी कमल, आपको बताऊं कराची में पुलिस नाके के बाद अब है जराइम पेशों का नाका। कराची में गुज़िश्ता कई दिनों से स्ट्रीट क्राइम की वारदातें उरूज पर आ गई थी, जिसके बाद आज फिर एक और दफा जो है वो शहरी के मोबाइल में मनाजिर कैद हो गए कि एक शहरी को डाकू नाका लगाकर लूट रहे थे, जो कि फैक्ट्री से निकल के अपने घर जा रहा था। जिसका आपको बताऊं कि कराची भर में ही इसी तरीके के वाकयात शुरू हो जाते हैं। पहली से 10 और 15 तारीख तक जो कि जितनी फैक्ट्रियां होती हैं, ऑफिसेस होते हैं या बैंक के एटीएम्स होते हैं, डाकू और स्ट्रीट क्राइम वहां का ताकुब लगाए बैठे होते हैं कि कौन कब यहां से पैसे निकालेगा और उसे लूट कर बासानी फरार हो जाएंगे। इससे इसके बाद अगर बात करूं तो कराची भर में जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें उरूज पर है। पुलिस जो है वो बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। किसी इदारे में किसी इलाके में जो है वो कार्रवाई खातिर खान नहीं की जा रही, जबकि जितने SHO से तब्दील हो रहे हैं उनको नए एरिया का इल्म ही नहीं है कि उनका एरिया कितना बड़ा है और कहां तक उनकी हदूद लागू होती है। इसी तरीके से अगर देखें तो अगर कोई एक आध इक्का दुक्का अगर वाकयात अगर पकड़ा जाता है तो पुलिस में उसकी बड़ी धूम मचाई जाती है कि हमने ये CCTV वाला गिरफ्तार कर लिया। जी लेकिन समीर, जिस तरह ये धड़ल्ले से लूटमार कर रहे हैं, क्या उसके बाद भी पुलिस ने कोई इकदाम किया है, क्योंकि आने जाने वाले लोग भी तो देख रहे हैं। देखिए, पुलिस की मैं आपको एक बात बताऊं कि जहां से चोरी होती है पुलिस की आंखों के सामने से वो चोर बासानी शरीफ शहरी बन के गुजर जाते हैं, क्योंकि अगर पुलिस किसी को रोके तो वो भी वबाले जान बन जाते हैं, क्योंकि पुलिस अक्सर जराइम पेशा को छोड़कर शरीफ आदमी को धर लेती है, जिसके बाद ये अभी सामने आता है कि शरीफ आदमी का और पुलिस का फट्टा हो जाता है। अगर पुलिस जो है वो नाके लगाना शुरू कर दे शाम के टाइम पे जहाँ पे लोग अपने कामों से घरों की तरफ जा रहे होते हैं, तो वहां पे आसानी इनके हाथ में जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल लग सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, शहर में 8 बजे के बाद जो लॉकडाउन लगाया गया है वो भी एक फर्जी लॉकडाउन है, लेकिन उसमें भी वारदातें जो है वो तेजी के साथ हो रही होती है। जी बहुत शुक्रिया समीर तरीन, हमें बता रहे थे।